सवाल होता है कि इतना बेचौरा इसने आपने धर्म देखे 5 दशकों 4 दशकों तो आपने राजनीति देखी, 40 वर्ष की राजनीति को करीब से देखने वाला विकास अघाड़ी के अलावा कोई और पसंद नहीं आया और भी दल लगे पूरे थे लेकिन उनमें कुछ अच्छा ही था। बाबर पूरे थे लेकिन उनमें कुछ अच्छा ही सीखना है ना। आप और पार्टी को औरंगजेब बाबर की तुलना से उसने अंदर अच्छी पार्टी जो वर्तमान उसी तरह करते कुछ और तरीका। अभी आपको बता इसका आंसर आप विपक्ष को ऐसा लगता है कि जानबूझ के आप इग्नोर करते हैं और इसलिए उत्तर देते हैं। विश्वास है, प्यार है, तो अजीव पटेल बहुत 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 जरूरी की वजह से। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुए। एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में उपस्थित है, जब वो बोलता है तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन जाता है। जब वो अपनी बात कहता है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर इन बातों के अर्थ क्या होंगे। कभी कभार उनके शब्द इस प्रकार होते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि नई गणित अब क्या उठा पटक मचाएगी, क्या होगा आगे वाले समय में वो भी चर्चा करते हैं। नाम है अजीव पाटिल। आज उनका जन्मदिन है, जिस जन्मदिन के अवसर पर लगातार उनके पूरे जीवन काल में किस प्रकार उठा पटक रही, कितनी उन्होंने प्रेरणाएं ली और किस तरीके से अब तक का सफर तय किया, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें जो चाणक्य नीति का निर्धारण व्यक्ति कहा जाता है, बहुजन विकास अघाड़ी में जो उनका कार्य करने का तरीका है उसकी हकीकत क्या है, कार्यकर्ताओं का इनके प्रति जो प्रेम है, जो अदृश्य तरीके से दिखाई नहीं देता लेकिन वो बड़ा मजबूत है, उसकी कितनी सच्चाई है। हम ये भी जानेंगे कि विवादों में अक्सर इनका नाम आता और जाता रहता है लेकिन उसके बीच में भी इग्नोर की पावर आखिर कैसे इनके पास आती है, नजरअंदाज करने की शक्ति कैसे आती है। लेखक के रूप में भी इनकी पहचान है, एक पत्रिका के संपादक के रूप में भी इनकी पहचान है, इनकी पहचान प्रवक्ता के रूप में भी है और संगठक के रूप में भी। आइए हम उनसे सीधे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके 5 दशकों के जीवन काल की हकीकत। सबसे पहले आपका नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके 5 दशक से पूरे हो चुके हैं, आपका जन्मदिन पहला सवाल। मुझे लगता है पूरी आजादी है सबसे पहले तो कि मैं सारे सवाल कर सकता हूँ। पहला सवाल मेरा आपसे कि होता है ना कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरने से पहले एक विचारधारा जिसको हम मानते हैं सुनते हैं, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में आपने क्या कुछ देखा था सबसे पहले, मैं उस इतिहास को जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में आने का मन क्यों बना, क्योंकि आपको कई बार लोग देखते हैं तो एक व्यापारी दृष्टिकोण से, एक व्यापारी के रूप में देखे, लेखक के रूप में देखे, एक संगठक के रूप में देखे, एक चालाक व्यक्ति के रूप में देखे, ऐसा नीति निर्धारण कर देते हैं आप चुनाव के दरमियान कि सब बदल जाता है, इस दृष्टिकोण देखें और राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना। पहली बात तो ये है, हम राजनीति क्षेत्र में नहीं है, हम राजनीति में नहीं है, हम समाज में नहीं है। आप देखेंगे पार्टी का नाम है बहुजन विकास अघाड़ी। अभी बहुजन विकास का मतलब लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, एक कास्ट के ऊपर से निकाल सकते हैं, जाति व्यवस्था के ऊपर से निकाल सकते हैं, और एक बहुजन इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेखक है, साहित्यिक है, आप क्या क्या निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जो है राजनीति में समाज नीति है, और इलेक्शन का दिन रहता है, इलेक्शन लड़े जाते हैं, बाकी के दिन न पार्टी न पक्ष न धर्म न जात, सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास। ये लाइन भाजपा की है? नहीं, ये भाजपा की लाइन नहीं है, ये पहले से चालू है। बहुजन विकास अघाड़ी का पहले चालू है, बहुजन विकास अघाड़ी का पहले से चालू है,
बहुजन विकास आघाड़ी के पहले से ये सब चालू, सबका साथ सबका विकास, आज भी वो चालू। अच्छा, आपने जब राजनीति में उतरे तो क्या देखा आपने कि नहीं ये समाज में किया आपके, तो कितनी उम्र थी आपकी और आपको हुआ होगा ना कि सब कर रहे हैं मुझे? पहली बात तो ये है, हमारे पिताजी जो थे वो समाजवादी थे, सेवा दल वाले थे। हमारे मामा जो थे ये ग्राम पंचायत के सदस्य थे 1965 से, उप सरपंच थे, सरपंच थे, नगराध्यक्ष थे, तो वही से प्रेरणा ने हमारे मामा के यहाँ से भास्कर राव ठाकुर और उनके यहाँ हमने देखा पार्टी पक्ष कुछ नहीं था, सब पार्टी के लोग के साथ वो जुड़े थे, उनके साथ वो जुड़े थे, कभी उन्होंने पार्टी पक्ष कुछ किया नहीं, समाज में राजनीति हमने हमने समाज में थी किए और वहां से सीखी। अच्छी बात है। इसमें एक और सवाल कि बहुजन विकास आघाड़ी ही आपको ये आप देखो अक्सर देखा जाए तब से देखिए अब तक आपने दल नहीं बना, तो एक सवाल होता है ना कि इतना बेचौर आदमी जिसने आपने लगभग अगर हम देखें 5 दशकों तो 4 दशकों तो आपने राजनीति देखी, 40 वर्ष की राजनीति को करीब से देखने वाला, और देखा जाए तो आप लेखन करते हैं, मंथन बहुत करते होंगे, तो सब करने के बाद जमीन की हकीकत जानने के बाद बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा कोई और तो पसंद नहीं आया, और भी दल लगे होंगे ना कि ये ठीक है आओ चलो चलो चलते होंगे सर? ध्यान में रखो, बहुजन विकास आघाड़ी ये हमारा सबका पार्टी है, पार्टी बनी है तो समाज नीति में जो करते हैं वो सबके लिए है और सबको लेके करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम सब पार्टी को मानते हैं। अगर औरंगजेब बुरे हैं, बुरे थे, लेकिन उनमें कुछ अच्छाई थी, बाबर बुरे थे लेकिन उनमें कुछ अच्छाई थी, तो जो अच्छाई है कोई भी रहने दो, किसी भी पार्टी का आदमी रहने दो, अगर वो अच्छाई हम आत्मसात करते हैं तो अच्छा है, उसमें सीखना है ना। आप और पार्टी को औरंगजेब और बाबर की तुलना से कह रहे? नहीं, मैं अच्छाई लेने की बात कर रहा हूँ कि शिवाजी महाराज इन्होंने जो भी उनके अपोजिशन में थे उनसे कुछ सीखा, देखा जो अच्छा था वो आत्मसात किया, वैसे उन समाज नीति में रहेंगे या किसी भी फील्ड में रहेंगे, आपका आपको जो लगता है अपोजिशन में है या अपोजिट में उसके अच्छे गुण क्या है वो आपने ले लीजिए, तो आपने इसलिए पर आप क्या करना है उससे क्या नहीं करना है ये अगर आप सीखेंगे तो आप सफल होंगे। तो इस पार्टी न छोड़ने के पीछे कारण यही है कि यहाँ पर सिर्फ अच्छाई ली जाती है और बुराई को छोड़ दिया जाता है। पार्टी मैंने वही बोला ना, ये पार्टी हमारी सबकी है, तो छोड़ दे और पकड़ने की बात ही नहीं है। हम अभी आप टीडीसी बैंक में देखेंगे तो टीडीसी बैंक में सब लोग हैं साथ में, वहां पे कोई बताता है क्या ये इस पार्टी का है या उस पार्टी का, सबको लेके काम करते हैं। इसीलिए पार्टी अभी एक होता है ना विचार, अभी आपने निर्माण करने में आपकी भूमिका थी इस पार्टी को बनाने में, आपको सींचने में, कहते ना खेत है उसमें फल लगाने, तो बहुत लंबे समय तक आप लोगों ने संघर्ष किया, आप जाके सत्ता में काम करते करते, तो इसीलिए है या एक विचारधारा है जो जिसको ना छोड़ने वाली विचारधारा थी और किसी और पार्टी में नहीं? अभी एक देखो विचारधारा, हमारे हिंदुस्तान में एक संस्कृति है, वो विचारधारा है जो संस्कृति है वो फिक्स नहीं है, वो जैसा टाइम जाता है टाइम के हिसाब से बदलती जाती है, तो हमारे विचारधारा ऐसी है कि जो अच्छा है वो आसमान आत्मसात करना चाहिए, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बदलना चाहिए, फिर वो सामने वाला आके बताएगा नहीं ये आपका गलत है, हमें लगा यस गलत है तो हम मान देते हैं, हम बदल देते हैं, गलती मान देते हैं, स्वीकार करते हैं, इसीलिए सामने वाले अपोजिशन वाले आके बोलते हैं तो उनको मालूम है कि उनकी गलती है, तो ये विचारधारा बदलेंगे, विचार बदलेंगे, इसीलिए आके बोलते। अच्छा, आपने विपक्ष की बात की, अगर मान लेते हैं कि अजू पार्टी को विपक्षीय भूमिका निभानी पड़ी, हालांकि अभी तक हो नहीं पाया, 2009 के आसपास थोड़ा बहुत करना पड़ा, अगर मान लिया आप विपक्ष में, देखिए उसमें उत्तर ये मत दीजिएगा कि नहीं विपक्ष में नहीं, सवाल ये है कि विपक्ष में अगर अच्छी पार्टी तो जो वर्तमान विपक्ष के दल है जो बसेरा विपक्ष में काम कर रहे हैं उसी तरह करते हैं कुछ और तरीका होता है?
अभी आपको बताता हूँ इसका आंसर आपको देता हूँ। महापालिका विपक्ष के लोग थे, बराबर है, मैं स्टैंडिंग का चेयरमैन था, महासभा भी होती थी, मीटिंग चलती थी घंटा दो घंटा, बराबर है, स्टैंडिंग की मीटिंग चलती थी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा, जिसमें विपक्ष के लोग थे। लेकिन विरार नगर पालिका थी 100% बहुजन विकास आघाड़ी के कॉर्पोरेटर थे, जैसे विकास उद्योग के कॉर्पोरेटर थे, वो मीटिंग एक भी विपक्ष का नेता नहीं था, विपक्ष का कोई नगर सेवक नहीं था, वो मीटिंग 8-8 घंटा चलती थी, जहां पे पंकज ठाकुर और अजीव पाटिल विपक्ष की भूमिका लेते थे। अच्छा। और पूरे बॉडी को, पूरे म्युनिसिपैलिटी के जितने भी अफसर रहे, प्रशासन है, उनको हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते थे। इसीलिए ऐसा भी टाइम हुआ कि नगर विरार नगर पालिका बर्खास्त करने की कोशिश की गई 4-4 बार, लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? तो हम 100% मेजोरिटी होते हुए भी विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष की भूमिका अजीव पाटिल और पंकज ठाकुर निभा देते, बराबर है, और वो मीटिंग 8-8 घंटा थी। लेकिन उस मीटिंग में जब आप जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाई, सत्ता में तो थे ना, लेकिन इस समय का जो विपक्ष है, क्या आपको लगता है वो जनता की आवाज बन पाता है, जनता के मुद्दे उठा पाता है? अगर आप होते तो इस तरह काम करते? आपने कहा कि जब मैं सत्ता में था, स्टैंडिंग कमेटी के आप चेयरमैन थे, उस दौरान भी आपने विपक्षी भूमिका निभाते हुए अधिकारी सवाल किए, लेकिन अगर स्टैंडिंग कमेटी के आप चेयरमैन ना होते, आप कोई पद ना होता, चुनाव हारे हुए होते, तब कैसे? आप गलत कब होते हैं? लोग आपको गलत कब मानते हैं? जब आप व्यक्ति द्वेष करते हैं। व्यक्ति द्वेष नहीं करना चाहिए, वो अफसर गलत है, उसको सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ये आप गलत है, सुधारना चाहिए। आप एक स्टैम्प मार देंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो लोग बोलेंगे ये गलत ही बोलने वाला। आप कितना भी अच्छा बोलेंगे, सही बोलेंगे, तो लोग मानेंगे नहीं, बोलेंगे तो इसकी आदत है गलत बोलेंगे, छोड़ दो, तो कर रहा है बराबर। इसीलिए व्यक्ति द्वेषी हम कभी नहीं रखते। जितने भी अपोजिशन वाले हैं, जो भी काम बोलते हैं, पॉजिटिव काम है, 100% हम कोशिश करते हैं काम करने की। आप बहुत इग्नोर कर देते हैं। अक्सर क्या होता है, जब विवाद की बात आती है, आरोप की बात आती है, तो आप अक्सर नाम नहीं लेते और विवादों का उत्तर देना उचित नहीं समझते। अधिकतर आप जो अंदर से उत्तर आता है कि इन सब बातों के लिए समय नहीं, राजीव पाटिल विवादों से दूर भी रहते। देखो, आप संत नहीं बन सकते तो शांत हो। ये कहां से सीखा? शरद पवार जी, आदरणीय शरद पवार जी से सीखा? ये जेल जो है, उन्होंने सीखा आप संत नहीं बन सकते तो शांत हो। अगर शांति रहेगी तो सब कुछ होगा, पर विपक्ष को ऐसा लगता है कि जानबूझ के आप इग्नोर करते हैं और इसलिए उत्तर देते नहीं। अलग 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 मिलता है, उनको मीडिया के सामने बोलना पड़ता है, अगर नहीं बोलेंगे तो उनके ऊपर एलिगेशन होगा, ये इनको मिले हुए, तो कभी जोर से उनको बोलना पड़ता है। व्यक्तिगत लेवल पे हमारे सबसे रिलेशन है। आप ये बोलना चाहते हैं कि वो जो जोर से चिल्ला कर बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं बात की सच हो, ऐसा? जैसे आपको विपक्ष का नेता होना है, इनको विपक्ष का नेता होना है, इनको विपक्ष का नेता होना है, तो कंपटीशन रहती है कि जोर से कौन चिल्लाएगा, इनको कौन अपोज करेगा, तो मेरे को नेता बन सकता है। ये बननी जो है वो निकाल देना चाहिए। नेता कैसा? अगर आप शांति से काम करेंगे तो सामने वाला जो भी है सत्ता में उसको नींद आएगी, लेकिन आप चिल्लाते बैठेंगे दर्दी तो वो सोएगा नहीं, जागेगा, तो काम करते रहेगा। और हमारा वही हुआ, हम जब से काम करने लगे सुबह उठे तो कोई ना कोई हमको चिल्लाने लगता है, तो हमें नींद नहीं आती, हम वो काम के पीछे रहते हैं, भाई काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, तो लोगों को पता चलता है कि भाई ये काम कर रहे हैं सुबह से उठ के शाम तक, हर दिन कर रहे हैं, इलेक्शन आया तो नहीं आते, ये 365 दिन काम करते हैं। अच्छा, ये हमें अच्छा है कि हमारे जो
इनके वजह से हम अच्छे आप काम करते रहते। अच्छा एक और चीज, एनर्जी मिलती है समझ लो आपको। अच्छा 100% एक और सवाल कि अभी हाल ही में एक मंच पर केंद्रीय मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के कपिल, और यहाँ के आमदार और आपके बहुजन विकास संगठन के अध्यक्ष नितिन ठाकुर जी, वो हर बार अपने बयान में कह देते हैं कि 126 में 126 सीटें महानगर पालिका में, क्या मानिए जैसे विरोध अगर देखा जाए तो विपक्ष लोग कभी कभार यहाँ से बाहरी स्टेट में भी कहते हैं कि ईवीएम हैकर बनते हैं, ईवीएम इनका हो जाता है, इस तरह के आरोप करते हैं, तो क्या हम माने कि चुनाव आयोग से बड़ा अच्छा साठगा ठीक है 126 में 126 आएगी इसका दावा पेश कर देते हैं और उसके बाद भी भरे मंच पर पक्ष बैठता है आपके सामने। अगर हम अभी भी बात करें, अगर अभी भी कोई सवाल करें तो यही कहते हैं 126 में 126 हमारी आएगी, तो ये जो आत्मविश्वास है इसका कारण क्या है? ग्राम पंचायत 100% मेजोरिटी थी, गुजरात नगर पालिका थी 100% मेजोरिटी थी, महापालिका में निराले इलाके में देखेंगे आप ऐसे बहुत इलाके 100% मेजोरिटी आएगी वो एरिया में। अभी तीन का वार्ड हो गया, तीन नगर सेवक का एक वार्ड हो गया, तो कॉन्फिडेंस है कि भी हमारे इसने बोला कि हम राजनीति नहीं करते, हम समाज नीति करते, हमारे कैंडिडेट वो एरिया से लोग देते हैं। अच्छा हमारे को कोई दिल्ली या विधानमंडल या मुंबई से नहीं आते, लोग देते हैं, उसमें से एक या दो कैंडिडेट हमारे लोग कहते हैं हमारा रितेंद्र ठाकुर फिक्स करते हैं, एक या दो जहाँ पे डिस्प्यूट होता है वहाँ, अदरवाइज 99% कैंडिडेट लोकल एरिया से लोग जो बोलते हैं उनको देते। अगर लोगों ने बोला कि हमारे को ये कैंडिडेट चाहिए तो चुन के लाने की जिम्मेदारी उनकी रहती है, यानी चुनाव जनता लड़ती है कैंडिडेट में, यही बोल रहा हूँ, कैंडिडेट भी देती है जनता और वोट भी देती है जनता। अच्छा ये वोट की बात आती है, अक्सर कहा जाता है कि जो कार्यकर्ता है वो अदृश्य तरीके से आपके साथ खड़ा है, मतलब आपका वो जैसे काम करता है बड़े 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 वो आपके बारे में आज चिल्लाता नहीं, लेकिन अगर अगर उसको तकलीफ होती है तो पहला फोन आपको लगता है, वो सोचता है कि अगर मैं किससे दिल की बात करनी है या अपने समस्या की कोई पहली बात करनी तो सीढ़ी आप बढ़ जाते हैं उसके बाद विधान नहीं करता, तो भी माने कि आपको चालाकी भरा एक विचार होता है आपका, नहीं कार्यकर्ता भले हम मेरे मुझे फोन करते हैं लेकिन मेरे नेता कैसे जगह थे, तो जो डाइवर्जन करते हैं आप और अदृश्य रूप से बड़े हुजूम है आपके पीछे कार्यकर्ता, अगर आप सुबह से ही देखें तो लगातार बैनर पोस्टर चार पांच दिन से ही लगना शुरू हो गया है जी पटेल के बारे में वार्ड डिवीजन के आपके शुरू हो, तो इस तरीके की जो दिल की बातें हैं वो आपका है, तो क्या आप ये क्यों करते हैं, आप सरकार करता हूँ बोलते रहते हैं सही है ना, आप मेरा नाम मत दीजिए, मुझे जय जयकार मत बोलिए, आप चुप रहिए, तो ये क्यों बोलते रहते हैं? एक भोजन विकास अकाड़ी एक सर्कस जैसे कसरत करने वाला सामने दिखता है लोगों के, लेकिन वो जब कसरत करता है तो उसके नीचे नेट रहती है, ये कार्यकर्ता रहते हैं, नेट बांधने वाले कार्यकर्ता रहते हैं, बराबर है, वो आने के पहले लोगों को हंसाने वाले रहते हैं वो कार्यकर्ता, अलग अलग टीम रहती है, वैसे हम एक हिस्सा है छोटा लोग जैसे बड़े नहीं हमारे जैसे बहुत है, लेकिन लोगों को पता नहीं उनका काम चल रहा है और वो परफेक्ट काम चल रहा है। आप देखेंगे कि गए 30 साल में आपको ऐसे कार्यकर्ता है वो कभी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इलेक्शन के दिन सुबह आपको बूथ पे दिखाई देंगे, उनका काम चालू रहता है लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा, विश्वास है प्यार है जितेंद्र ठाकुर जी ऊपर भरोसा है। आप डाइवर्ट कर देते हैं, कहते हैं कि आप अच्छी पार्टी की जिंदाबाद मत कहिए, मैं वो सवाल क्या आप कहिए इतने ढंग जिंदाबाद, तो ये जो लाइन है ये डाइवर्जन क्यों है कि आपका विश्वास उधर है इसमें? एक धर्म है कि आपके मन में एक ये बात चाहिए सॉल्यूशन कहां से है, उगम कहां से है, बराबर जय जय का से कुछ नहीं होता, और जिन्होंने खुद की जय जयकार करके ली, खुद के फोटो लगाए,
आखिर में उनका एंड क्या था? हम सब आप समाज प्रबोधन करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो आपका पहला ये कर्तव्य है, आपने बोला चाहिए मेरी जय जयकार मत करो। आप इसके खिलाफ? खिलाफ ऐसा नहीं, लेकिन जिसकी कर्मी है उसकी ही जय जयकार करना चाहिए, जो जिस चीज के लायक। अगर लोग नेता हितेंद्र ठाकुर के पास जाएंगे आप, तो वो नहीं बोलेंगे कि मैं सब जानकारी मिल पाऊ, ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा कार्यकर्ता है, ये सोल्यूशन देगा। वो उनकी सलाह लेते हैं कि भाई ये इसमें क्या करना है, ये टीम वर्क है पूरा। अच्छा। और टीम में हर कोई है, हर पात्र है टीम में, तो जय जयकार एक की नहीं होती, जय जयकार सब की है। इसलिए वो बोलते हैं मेरा कार्यकर्ता है। ये आप लोग पुराना रहे कि इस अरनाला से लेकर वसई तक के आखिरी छोर तक हम बात करें तो प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम जुबान पर होता है, आपको पता होता है किस एरिया में हमारा व्यक्ति इससे बात कर सकते हैं किसी व्यक्ति के। राजू पाटिल ने कभी किसी पद की लीच नहीं अपने आप को, अक्सर मैंने देखा है जो हम लोगों का अनुभव कहता है कभी पद की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं और पीछे पंक्ति पे खड़े होकर बोलते हैं जी आप आगे आओ, हम लोग देखिए। अक्सर लोगों ने इस बार चर्चा की तो आप लोगों ने कई बार बोला कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग इस बार, तो ये जो पद है क्या मानते हैं कि कार्यकर्ताओं क्या बताना चाहते हैं कि पद के लिए आप पद पे है या पद पे नहीं है? हमारे नारायण मानकर जी पद पे नहीं थे तो भी लोगों को नारायण मानकर साहब मालूम है, राजीव नाना लोगों को मालूम है, जीतू भाई शाह लोगों को मालूम है। हमारे ये ऐसा है पद पे है या पद पे नहीं है, आपका काम होता आपका कार्य होता है तो लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है, वो तो बोलते ये हमारे कॉर्पोरेटर, ये हमारे नेता, ये हमारे मेयर, ये वो पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे उनका काम होता है, वो पद पे रहने से कुछ नहीं। आप कभी लड़ाई लेके भी हो गया, पांच दशक की जीवन यात्रा हो चुकी है, अब बड़े पद के लिए बढ़ा जाए उसके लिए भी काम किया जाए? एक ध्यान में आपने देखा होगा हमारे कितने सरकार हैं, बहुत सरकार, ए का एक सर्कल है, बी का एक सर्कल है, सी का एक सर्कल है, डी का सर्कल है, हर ग्रुप का अलग अलग सर्कल है, कोई बिजनेस का सर्कल है, कोई समाज से बने सर्कल, सब सर्कल है, लेकिन एक भी सर्कल कहीं पे क्रॉस नहीं हुआ। क्यों? आप लोग यही पद के लिए जो आगे बढ़ने की कंपटीशन नहीं होता हो, सेंटर पॉइंट एक ही है। लोग नेता इतने में ये सबका सेंटर पॉइंट है, अलग अलग सर्कल है छोटे बड़े, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं क्रॉस करते और ये जब होता है विकास होता है, विकास सबका होता है, इसलिए भोजन में सबका सिर्फ समाज ही नहीं, तो ऐसे भी समाज है कि समझो एक डॉक्टर समाज है, उनकी समस्या उनको एक साथ आना पड़ता है, तो एक समाज इंजीनियर सिर्फ जात पंत पे मत जाओ, सब समान और सबको साथ देने वाली आप सेंटर हार्ट सीधे आप देखेंगे युवा है एजुकेशन के बारे में तो युवा आमदार क्षितिज ठाकुर किसी को पता भी नहीं चलता उनका क्या क्या कार्य चल रहा है, अभी साइलेंट रहते हैं, अभी आप देखेंगे वो नहीं बोलते, प्रसिद्धि भी नहीं है, लोक नेता है वही उनकी जल निकाल होती है, उनका भी यही कहना। अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध चालू है, किसी ने सोचा है कि वहां के जो हमारे स्टूडेंट आए उनका क्या होगा? किसी ने सोचा है? नहीं है। गंगा मिशन चल रहा है, क्या हो रहा है उसे ला रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या है, उनके एजुकेशन का क्या है, उनके मानसिकता क्या क्या है, उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की कि उनका जो भी फील्ड है जो भी एजुकेशन है यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दे दो, जहाँ जहाँ वो है समझो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे भी है जिस सेक्टर में जो सेक्टर में है वहाँ यहाँ पे आप उनका लो एक फरमान, ये भाई इनको एक्सेप्ट करके ले लो,
जब तक उधर गाड़ी लाइन पे नहीं आता एक ही बार देखो, बार बार नहीं ऐसा होगा, एडजस्ट करके लेंगे, अदरवाइज कितने लोगों की जीवन बर्बाद हो जाएगी। हम सिर्फ न्यूज देखते है ये युद्ध हुआ ये हुआ, लेकिन अरे आगे की उनका क्या फ्यूचर, उनके पास अगर पैसे रहते थे तो वो उधर जाते थे क्या? नहीं है, वो गरीब घर से मेहनत करना होता है, खेड़ के बच्चे सब अभी नहीं, उनकी मजबूरी है इसलिए वो कहा गए वहां गए, अगर इधर उनको मिलता तो यहाँ पे नहीं। जितेश ठाकुर हमेशा प्रसिद्धि में ना प्रसिद्धि में नहीं रहते, वो एक उनका फूल है, वो फिर समझ संभालते हैं तो बोलते हैं। अक्सर आप लोग रोक देते हैं उनकी मजबूरिया लोग हैं पर्याप्त नहीं, 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 नहीं उनका एक स्वभाव, काम करते रहो काम बताओ। अच्छा मीडिया को आप देखो आप सफल हो काम बोलो तो ये टीम है, ये ऐसा टीम है अलग अलग है। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है अब्रॉड में बाहर के, किसी को एजुकेशन में कुछ नॉलेज चाहिए, नई नई पॉलिसी है, नए स्कीम है, युवा के हिसाब से है, सोशल मीडिया के हिसाब से है, तो वो एक टीम है वो काम करते हैं। अच्छा इसमें हम ये मानिए कि जिस तरह से 126 से 126 लाने की बात कही गई, तो आने वाले विधान से विपक्ष में से कोई ऐसा आके बोलता है क्या मैं 100% चुन के आऊंगा? विपक्ष में कई लोग कहते हैं हमारा महापौर बैठेगा, कई लोग कहते हैं हमारा महापौर बैठेगा, वो बोलते है ना, जैसे एक नेता ने बोला बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हम लड़ेंगे नहीं, तो हम किधर बोलते हैं हमारे सामने तुम लड़ने वाले नहीं लड़ने वाले, मीनिंग क्या हुआ? वो बोलते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हम लड़ेंगे नहीं, साथ में और मैं साथ लड़ने वाला हूँ, तो हम लड़ेंगे नहीं मतलब ये होगी लड़ाई में है ही नहीं, आपको कहने का मतलब यही कह रहा था। तो वो वही बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं यानी इसका मतलब ये है क्या, वो भी मानते हैं कि भाई इनके साथ हम लड़ नहीं सकते इसलिए बोलते हैं हम उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहते नहीं, लेकिन वो तो ऐसे बोलते हैं ना उनके साथ हम लड़ेंगे नहीं, उसका मतलब क्या है? अच्छा हमारे साथ लड़ेंगे नहीं, वो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, कहा जाता है कि चुनाव के दरमियान अगर अजीत पाटिल किसी मोहल्ले में खड़ा तो मान लिया जाता है अगर यहाँ वोट बैंक कहीं खिसक रही थी अजीत पाटिल आके गए तो कोई नई नीति बन जाती, बड़ा चाणक्य की नीति अपनाते हैं। नहीं नहीं तो बहुत बड़े भी राजू गांधी मानकर साहब है उमेश भाई ये है ये सारे जाते हो हमारे पूरी टीम है बाबन शेख भाई, तो कहीं से क्या क्या होता है विपक्ष को पता ही नहीं चलता, क्यों ये टीम लोग है सबको लेके काम करते हैं, जिसका जेलो काम के लिए होता है गुजराती में काम होता है बराबर। एजुकेशन की बात है तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जिसको पूछना है उनको पूछा जाता है, पानी की बात है तो प्रफुल्ल सर ने या उमेश नाइक जी को पूछा जाता है, वोट बैंक इधर उधर करना वोट बैंक ही एक ध्यान में रखो, वोट बैंक इधर की उधर कभी नहीं होती, तुम्हारा काम बोलता है बराबर है कि तुम क्या काम किए लोगों को क्या रिजल्ट दिए, वो बोलते हैं आमदार इतेंद्र ठाकुर का कैंडिडेट है वो देखते नहीं कौन है चुन के देना चाहिए, क्योंकि वो लोगों में से आए हैं लोगों ने दिया है चुन के देना चाहिए। तो अजीत पाटिल बहुत 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 जरूरी की वजह से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी जगह खड़े हो जाते हैं वो चाणक की नीति सब आते हैं ऐसे हवा में तो है, बड़ा सोच समझ के विपक्ष कहता है कि अजीत पाटिल कहीं से गुजरा है और तो फिर गड़बड़ी को ना हो जाना है, मतलब विपक्ष को पस्त होना है ऐसा माना जाता है, तो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में माने कि फिर से नीतियां आपकी चलेंगी या आप जैसो की आप सभी टीम की इस तरह की नीतियां चलेंगी जिस तरह से चलती हैं? टीम वर्क की नीति चलती है और नीति है पॉजिटिव नीति चलती है, कोई भी निगेटिव नीति नहीं चलती, लोगों को आप क्या पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिविटी की बात उदाहरण कर दे तो लोकसभा का चुनाव जब आप हारे तो आप लोगों ने इतना अच्छा मैसेज वायरल किया जिसमें कहा गया कि 2000
14 का इलेक्शन हुआ जो वोट बैंक जो मिला 2009 में मिला, वो सब निकालते निकालते आपने ये एक डाटा तैयार किया भाई हमारा वोट बैंक बढ़ा है, हारे तो क्या हुआ, पॉजिटिविटी की सीमा तो यहाँ नजर आती है आपकी कि हार में भी आपने सखर आपको दिखा दी, तो ये तो मानने की पॉजिटिविटी बहुत रहती है आपको, हार में भी कैसे सखर आपको ढूंढ लेते हैं जीतने के लिए जो लड़ते हैं वो गलत है, मुझे कुछ काम करना है इसलिए अगर मैं लड़ रहा तो पॉजिटिव बात है। हम क्या करने वाले हैं लोगों को बताते हैं जी, हम किसी को गाली नहीं देते, लोग सोचते हैं कि हम काम करने वाले हैं ये बता रहे हैं इसलिए लोग पीछे रहे, मैंने पता है दर दिन आप गाली देते रहेंगे तो लोग बोलेंगे इसका काम नहीं है, इसको रहने दो, इसको गाली मारने के लिए छोड़ दो, पॉजिटिव आप काम करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे वो बात, और आप टाइम के लिए नहीं रहते, जैसे मार्कर साहब ने बोला मैं खड़ा नहीं, मुझे तो कहने बोला मैं नहीं खड़ा रहा, नाना ने नहीं खड़े हुए, तो ऐसी भी टीम है ना बहुजन विकास अकादमी कि वो दूसरे को चांस दे। चलिए आखिरी सवाल, बहुत सारे सवाल किए इसमें, तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे क्योंकि आप लंबे समय तक आपने काम किया, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, अक्सर कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं कार्यकर्ता, अक्सर लड़ाई भी हो जाते हैं क्या, कार्यकर्ता जो भी है वो अगर 30 साल लोक नेता योगेंद्र ठाकुर ने क्या क्या काम किया, उनको कितनी तकलीफें आई, कितनी सुनामी आई, बराबर तो भी वो जगह पर लोग उनके साथ क्यों है, तो संयम शांति सबसे तो लोग आपके पीछे जाते, और जब जब आपके ऊपर कुछ संकट आता है तब तक जनता आपके साथ रहती है, और जैसा जैसे आमदार इतने प्राप्त के इतने प्राप्त के ऊपर जब भी संकट आया उस पर वोट का परसेंटेज बढ़ता है संकट के द्वारा, क्योंकि लोग आए परसेंटेज बढ़ गया जब भी ऐसा हुआ परसेंटेज, इसीलिए आप पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव रहो आपका पॉजिटिव बन जाएगा, ऐसा मत सोचो हर एक को कुर्सी मिलने वाली नहीं है, उनके नहीं पूरे भारत देश में से कुछ भी काम रहेगा वो अगर लेके आते हैं तो उनका काम होता है, अग्रवाल में भी कुछ काम होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो उसको मालूम है कहाँ से करना है तो उसका नाम बढ़ा क्या, ये कार्यकर्ता ने मेरा काम किया, भले लोक नेता जितेंद्र ठाकुर, युवा नेता क्षितिज ठाकुर ने काम किया होगा, लेकिन जो मीडिया है वो कार्य करता है उसका नाम बढ़ा। दल छोड़ने वालों को भी यही संदेश, देखो हर विचारधारा अलग अलग रहेगी, मैंने बताया आपको समाजकरण करना बराबर, और दल छोड़ने वाले कोई नहीं है, दल छोड़ने वाले कोई नहीं है, उनके मन में दल है, उन्होंने दल छोड़ा नहीं, दल उनके मन में दल है, आज नहीं तो कल वो अपनी कोई पूरी नहीं है, एक ध्यान में ये पॉजिटिविटी वाला होता है, नहीं ये ऐसा है ना, आप अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आपको बताता हूँ कि गोपीनाथ मुंडे जी ने उन्होंने एक को ऑफर दिया तू हमारे पार्टी में आना बराबर है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मेरे नेता है जितेंद्र ठाकुर, उन्होंने मेरे को कॉर्पोरेट बनाया मेयर बनाया उनसे बात करनी पड़ेगी, तो उन्होंने फोन लगाया गोपीनाथ स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने, अच्छा अरे अप्पा इसको मैं ये मैं इनको ऑफर दे रहा हूँ और ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि अप्पा को पूछना पड़ेगा, अप्पा ने बोला यस आप उसको उनको एमएलए का टिकट देने वाले हैं, उनको कुछ पोस्ट देने वाले हैं, अगर उनका भला है
तो ठीक, तो मुझे आनंद है, उन्होंने टिकट दे दी, एमएलए बन गए बीजेपी के। तो ऐसा है, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके लिए किसी भी पार्टी में रहने दो शब्द डाल दिया लोकप्रिय इंडियन का डाल, क्या भाई ये अच्छा कार्यकर्ता है, आप इनका सम्मान करो, ये आपकी पार्टी का भला है। और ऐसे पोस्ट पे बहुत गए, महाराष्ट्र में गए, गुजरात में गए लोग। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जहाँ रहे वो ठीक से काम करे, काम करे, पक्की लालसा, पक्की लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, किधर भी हो, किसी भी विचारधारा के साथ, लेकिन आप समाज के लिए काम करो। और क्या चाहिए, हमारा समाजकरण नहीं है, राजकारण नहीं है, हमारा राजकारण नहीं, हमारा समाजकरण है। तो किसी भी पार्टी का नहीं, कोई भी आदमी कितना भी बुरा हो, लेकिन उसमें अगर अच्छा ही है तो हमको उसको उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे अजू पाटिल, और अजू पाटिल ने साफ तौर पर उन सारे सवालों के उत्तर दिए जिसकी आवश्यकता थी जनता। एक ऐसा व्यक्ति जो विवादों से घिरा भी रहा, लेकिन काम के बल पर किस तरह से वो पॉजिटिव रहा, वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि उनका सेंटर पॉइंट क्या है, सर्कल कितने भी होने, लेकिन हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, उसका जिक्र भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पद की लालसा में कभी काम करने की चेष्टा हम उन्होंने नहीं की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा आने वाले समय में महानगर पालिका का चुनाव में जीत कितनी सुनिश्चित होगी, उस पर भी उन्होंने बयान। दल छोड़ने वाले लोगों को उन्होंने अपना बताया, उन्होंने कहा जो जिस विचारधारा का है, जहां गया है, वो अच्छा ही करेगा, और पॉजिटिविटी की राजनीति करनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति अगर होगी तो निश्चित रूप से जनता का भला ही होगा। अब देखना ये होगा कि इन सब बातों के आधार पर कार्यकर्ता पर कितना असर पड़ता है, विपक्षी लोगों पर जो उत्तर दिया उस पर विपक्ष क्या कहता है, आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होगा या कुछ क्या कुछ टिका रहेगा, और अगला वर्ष अजू पाटिल की उपलब्धियां क्या होंगी, ये सब कुछ देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार।